वेलकम टू मनीष गुरु। आज है 20 फरवरी, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, 17 फरवरी 2019 को चेन्नई में 6वीं ओपन नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 50 किलोमीटर की स्पर्धा किसने जीती है? तो ये स्पर्धा जीती जितेंद्र सिंह राठौर ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2019 को शुरू होने वाले 10 दिवसीय ताज महोत्सव का विषय क्या है? तो ताज महोत्सव का विषय है परम्परा, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने कौन सा नामक एक ऐप के बारे में चेतावनी जारी की जो मिनटों में बैंक खाता खाली कर सकता है? तो ये ऐप का नाम है एनी डेस्क, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा मैला साफ करने से छुटकारा पाने के प्रयासों के तहत पहली बार किस शहर में बैंडिकूट नामक के एक सीवर की सफाई करने वाला रोबोट पेश किया गया है? तो ये रोबोट है चेन्नई में पेश किया गया, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राजभाषा विधेयक 2019 के अनुसार किस भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा संस्कृत को, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय प्रख्यात वेदांती स्वामी प्रज्ञानंद जी को समर्पित एक पुस्तक का हाल ही में शुभारंभ किया गया, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं दिनेश सहारा, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस पर भारत के सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलन के 4वें संस्करण का उद्घाटन 18 फरवरी 2019 को कहाँ किया गया? तो उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में, यानी इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन में इनमें से किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये सम्मेलन आयोजित हुआ मुंबई में, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नितिन गडकरी ने 19 फरवरी 2019 को मुंबई में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में किसका शुभारम्भ किया? तो नितिन गडकरी ने PCS1X का शुभारम्भ किया, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2019 को इनमें से किस राज्य में सेल की इस्पात प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई? तो स्थापित की गई बिहार में, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPS या मैपिंग के बिना नौवहन क्षमताओं वाला पहला चलने वाला रोबोट इनमें से कौन है? तो पहला रोबोट है एंटबोट, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 फरवरी 2019 महिला सुरक्षा के लिए कितनी पहलें शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 3 पहलें, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किसने 18 फरवरी 2019 को 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और मोरक्को ने 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा के लिए कौन सा देशव्यापी नंबर लॉन्च किया गया है? तो महिला हेल्पलाइन नंबर जो है वो 112 जारी किया गया, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI 21 फरवरी 2019 को सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के माध्यम से कितने करोड़ रुपए सिस्टम में निवेश करेगी? तो RBI जो है 12,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कितने करोड़ रुपए के शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए एक समिति बनाई है? तो ये समिति बनाई है 3,000 करोड़ रुपए के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर 79वां भारतीय इतिहास कांग्रेस ISC की मेज़बानी करेगा? तो मेज़बानी करेगा भोपाल देश, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। सॉरी, भोपाल राज्य है, भोपाल शहर है, देश नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक सरकार को कितने करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश का भुगतान करेगा? तो रिजर्व बैंक जो है ये 28,000 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश का भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने नई दिल्ली में एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब NCFL का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने, जो कि गृह मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने फतेह नामक एक नई पनडुब्बी लॉन्च की जो क्रूज मिसाइलों को दागने में सक्षम है? तो मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है ये ईरान ने लॉन्च की, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। तो दोस्तों, कैसे लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए।